मैं डॉक्टर बी के अग्रवाल आगरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। किस तरह के मतलब 15 अगस्त पर हम लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 1,28,335 जगहों पर ध्वजारोहण का प्रोग्राम देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने जा रही है और आगरा में कम से कम 300 जगहों पर। हमारा जो उद्देश्य है कि एक गांव एक झंडे के रूप में एक हमारा ये अभियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गांव-गांव तक लेके जाएगी और वो ऐसे लोग जो अब तक पिछड़े हुए हैं जिन्हें आज़ादी का स्वाद नहीं मिला वो अपने गाँवों में लगे छोटे पिछड़े उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग ध्वजारोहण का प्रोग्राम कराएंगे जिससे उन्हें यह एहसास हो कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और राष्ट्रीय भावना को जन जन तक पहुँचाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्वतंत्र स्थापना दिवस से अब तक करती आ रही है और इसी अभियान के तहत ये एक वृहद रूप में ये प्रोग्राम करेंगे। जी परिचय बताइए अपना। कुणाल देवाकर, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य विद्यार्थी परिषद। जी कुणाल जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, किस उपलक्ष्य में? जैसे कि अभी सबको मालूम है देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष पूरे हो गए, 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसी की श्रृंखला में पूरे देश भर में एक ऐसा 1,28,335 स्थानों पर ध्वजारोपण करने का लक्ष्य ABP ने लिया है। इसके अंतर्गत आगरा महानगर ने अपने 300 स्थान 9 इकाइयों पर ABP ध्वजारोपण करेगी। इसके लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक।